लाशों पर भी पैसा कमाना शौक है उसका। यूं ही इसे खून का सौदागर नहीं कहते। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोल रही है। दुनिया की तमाम सरकारें अपनी जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगा रही हैं। लेकिन मोदी ने वैक्सीन के नाम पर लूट का धंधा चला रखा है। मोदी ने वैक्सीन की एक डोज की कीमत 400 से 600 तक तय की है। मोदी सरकार वैक्सीन पर 5% GST वसूल कर रही है। अब राज्य सरकारों को केंद्र से वैक्सीन खरीदने पर 5% GST भी चुकाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 3,75,00,000 वैक्सीन की डोजेस की खरीद की तो उसे 56 करोड़ GST चुकाना पड़ा। ये वही मोदी सरकार है जो देश की जनता को 15 लाख यूं ही देने वाली थी। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अब जनता मर रही है तो सरकार वैक्सीन भी देने के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही है और भारतवासियों को दवा व्यापारियों के रहमो करम पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।